मॉर्निंग चिल्ड्रन, आपका संस्कृत का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। मैं आपको पढ़ाए हुए पाठों की पुनरावृत्ति ही करा रही हूँ। आज मैं आपको फिर से एक बार धातु रूप समझा दे रही हूँ। देखिए, पट धातु का लंग लकार रूप, ठीक है, पट धातु का लंग लकार रूप, पट धातु का लंग लकार, ठीक है, पर धातु का लंग लकार। अब यहां होगा आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर आपका दम पुरुष, ठीक है। यहाँ हो गया एक वचन, यहाँ हो गया द्विवचन, यहाँ हो गया बहुवचन, ठीक है। अब देखिए, आप पठत अ प ठत, द्विवचन होगा अ प ठ ताम, बहुवचन हो जाएगा अपठन अपठन, ठीक है। फिर है अपठ अ पठ अ प ठ तम अ प ठ त, फिर आपका आ जाएगा अपठम अ प ठम अ प ठाव, फिर आ जाएगा अ प ठा। बच्चों, एक बार एक चीज मैं आपको बार बार बताती हूँ कि लंग लकार में देखिए बस इसी हलंत का ही फर्क है। हलंत हम लगा देंगे तो प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, हलंत को हटा देंगे तो वही शब्द मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका पट धातु का लंग लकार रूप। अब मैं आपको भू धातु का लंग लकार रूप लिखाऊंगी। देखिए अ भ वत, ठीक है, अ भवत अ भ व ताम, फिर आपका आ जाएगा अभवन अ भ व न, अभव अ भव अ भ व तम अ भ व त, इसके बाद आ जाएगा अभवम अ भवन अ भ वाव अ भ माम, अभवा सॉरी अभ वाम। देखिए, इसे ध्यान पूर्वक, भू धातु का लंग लकार रूप अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। बच्चों, इसमें भी देखिए, जो मैंने इसके पहले बताया था कि हलंत से ही अलग हो गया है। प्रथम पुरुष एक वचन में, अभवत में हलंत लगा देंगे तो एक वचन हो जाएगा और उसका हलंत हटा देंगे तो मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। यह आपका भू धातु का लंग लकार रूप पूरा हो गया। देखिए बच्चों, मैं आपको पाठ 16 का संस्कृत में अनुवाद करना एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ, आज फिर से मैं इसकी पुनरावृत्ति करा दे रही हूँ। हम गुरु जी को नमस्कार करते हैं, इसका हो जाएगा वयम
नमः, ठीक है। नंबर टू है कौवा काला है, काकः कृष्णः भवति। नंबर थ्री है फल वाले पेड़ झुक जाते हैं, फलिनो वृक्षाः नमन्ति। नंबर फोर है सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते, तो हो जाएगा शुष्कः वृक्षाः मूर्खाः च कदापि न नमन्ति, ठीक है। अब है माता पिता और शिक्षक पूज्य होते हैं, नंबर फाइव आप लिखेंगे माता पिता शिक्षकाः च पूजनीयम् भवन्ति, ठीक है। ये आपका हो गया हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। फिर से देखिए, हम गुरु जी को नमस्कार करते हैं, वयम गुरुवे नमः। कौवा काला होता है, काकः कृष्णः भवति। फल वाले पेड़ झुक जाते हैं, फलिनो वृक्षाः नमन्ति। सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते, शुष्क वृक्षाः मूर्खाः च कदापि न नमन्ति। माता पिता और शिक्षक पूज्य होते हैं, माता पिता शिक्षकाः च पूजनीयम् भवन्ति। ये आपका संस्कृत वाक्यों का, सॉरी हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद हो गया। अब बच्चों आपका बचता है शब्द रूप। शब्द रूप आपको बुक से ही याद करना है, धातु रूप मैंने आपको लिखवा दिया है और शब्द रूप आपको अपनी किताब से याद करना है। देखिए शब्द रूप है फल और नदी, शब्द रूप है फल और नदी, ठीक है। पेज नंबर 67 में फल का शब्द रूप दिया हुआ है, इस बार आपके पाठ्यक्रम में दो शब्द रूप है, और पेज नंबर 69 में नदी का शब्द रूप दिया हुआ है, ठीक है। फल और नदी का शब्द रूप आपको याद करना है, और धातु रूप पट धातु का और भू धातु का लंग लकार, और ये मैंने पाठ 16 का एक बार फिर से हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करा दिया है। बच्चों आपको ये श्लोक याद कर लीजिएगा, इसका श्लोक नंबर 1, नमामि ईश्वरम प्रातः नमामि जनकम तथा नमामि मातरम पूज्याम नमामि शिक्षकान तथा। ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में एक श्लोक, कोई एक श्लोक याद किया हुआ लिखने के लिए आएगा। इसमें श्लोक को भरने के लिए दिया हुआ है, ये बच्चों आप श्लोक याद करेंगे तो वहीं से ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका पाठ्यक्रम आपका पूर्ण हो चुका है। आपको पाठ 15 में 1 से 10 तक की संस्कृत गिनती याद करनी है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव नवमः दशमः, ठीक है। यह आपका हो गया पाठ 15 का 1 से 10 तक की संख्या। फिर से सुन लीजिए, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव और 10, ठीक है। इसका भी वीडियो मैं बहुत पहले ही भेज चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा भी है, अब आप
सिर्फ याद करिए और जो पुनरावृत्ति कराई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक करिए, पढ़िए और समझिए। थैंक यू।